तो दोस्तों आप सभी को धमाकेदार खबर मिल ही चुकी है नोटबंदी 2.0 की। 2016 का कारवा अभी खत्म ही नहीं हुआ था और 2023 में नोटबंदी 2.0 ने धमाकेदार शानदार एंट्री ली। ना जाने कितने कंफ्यूजन फैले हुए हैं, ना जाने कितने सवालात फैले हुए हैं, मार्केट में यूफोरिया फैली हुई है और सवालातों की सरगर्मी ने तड़का लगाया हुआ है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए, सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वासु झंवर स्टॉक नीति से आप सभी के सारे सवालों के सही जवाब देने आया हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप सभी लेटेस्ट न्यूज के लिए अपडेटेड रहें। हमारी कंपनी बहुत सारे नए नए स्टार्टअप के साथ काम कर रही है, जिसमें से एक बेहतरीन स्टार्टअप है हमारा क्रिएटिव साइंस का, जिसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव किया है। तो चलिए अब हम सवालात की ओर बढ़ते हैं। नोटबंदी 2.0 का नाम सुनते ही आपके और मेरे दोनों के मन में सबसे पहला सवाल यही जाग उठता है कि 2000 के नोट क्यों बंद किए गए, क्या जरूरत पड़ गई हमारी गवर्नमेंट को 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर निकालने की। तो चलिए आइए जानते हैं क्यों हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको और मुझे जो खुले पैसों की समस्या होती है वो दूर हो जाए। जैसे कि आप कभी सब्जी मार्केट में जाते हैं या हम लोग कभी कोई ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, 2000 के खुले पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि हम कोई बड़े किराना स्टोर या फिर कोई बड़े हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे भी 2000 के खुले पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही सब समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से ही बाहर निकाल दिया। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? RBI कहता है सभी इंडियंस को एक क्लीन नोट यानी एक साफ सुथरी नोट मिलनी चाहिए जो हमारे सर्कुलेशन में कम से कम 10 साल तक रहे। वहीं RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था कुछ साल पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक 2000 के नोट को बनाने की कॉस्टिंग 30 रुपए की आती है, जबकि उसकी शेल्फ लाइफ यानी वो हमारे सर्कुलेशन में सिर्फ 4 से 5 साल तक ही रहेगा, उसके बाद वो नोट गंदा हो जाएगा, वो हमारे काम नहीं आ पाएगा। इसीलिए RBI को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये हटाना पड़ा। तो दोस्तों आपको और मुझे सभी को एक सवाल मन में आ रहा था, क्या 2000 के नोटों को बैन कर दिया गया है? नहीं दोस्तों, 2000 के नोटों को बैन नहीं किया गया है, उन्हें हमारी सर्कुलेशन से बाहर निकाला गया है। जनता को अब अपने 2000 के नोटों का क्या करना चाहिए? क्या रद्दी हो गए हमारे 2000 के नोट, अब हमें कोई काम नहीं आएगा? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। आप और मैं हम सभी हमारे नजदीकी होम ब्रांच में जाके 2000 के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बदले में आप कोई भी दूसरा नोट ले सकते हो, 500 का, 100 का, 50 का, जैसे आपकी नीड हो। अब दोस्तों सबके मन में यही सवाल है, क्या 20,000 की लिमिट हमेशा के लिए है कि हम सिर्फ एक दिन में 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करवा सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, RBI कहता है कि हम एक दिन में स्टार्टिंग में जब 23 मई से स्टार्ट हो रहा है तब आप सिर्फ 20,000 रुपए के नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी KYC यानी कि आपकी जो बैंक है, जैसे मैं एक SBI का कस्टमर हूँ, मेरी जो बैंक है मुझे मेरी KYC के ऊपर वो मेरी लिमिट डिसाइड करेगी कि क्या मुझे सिर्फ 20,000 के एक्सचेंज करवा सकता हूँ नोट, या मैं चाहूँ तो मैं 50,000 के भी करवा सकता हूँ, 1,00,000 रुपए के भी करवा सकता हूँ, 10,00,000 रुपए के भी करवा सकता हूँ। डिपेंड्स आपका KYC कितना अच्छा है आपकी होम ब्रांच में या आपकी जो भी बैंक है उसमें आपका KYC कैसा है, उसके ऊपर आपकी लिमिट तय की जाएगी। तो दोस्तों आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिसके लिए हमें सभी ने बोला है कि आप प्लीज इस पर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या सिर्फ हम हमारी ही बैंक से नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं? जैसे कि आप जिस बैंक के कस्टमर हैं, क्या आप उसी बैंक से या आप सिर्फ अपनी होम ब्रांच से ही चेंज करवा सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, RBI कहता है आप किसी भी बैंक के कस्टमर हो, आप कोई भी बैंक में जाके नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक SBI का कस्टमर हूँ, अब मुझे मेरी एक होम ब्रांच है, अब मैं चाहूँ तो या तो मैं अपनी होम ब्रांच से जाके चेंज करवा सकता हूँ या मैं SBI की कोई भी ब्रांच से चेंज करवा सकता हूँ। अगर SBI की ब्रांच मुझसे दूर है, यानी कि मेरे घर से अगर दूर है, तो मैं मेरे पास में नजदीकी में कोई भी प्राइवेट बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक हो गई, मैं जाके एक्सिस बैंक में भी नोट बदलवा सकता हूँ। तो दोस्तों अब हम एक बार में कितने नोट बदलवा सकते हैं, सबके मन में सवाल है। तो हम एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए की राशि एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक से। तो दोस्तों आज के दिन का सबसे अहम सवाल, क्या 2024 में दिल्ली की सल्तनत का रास्ता मोदी 3.0 यानी
मोदी 3.0 का रास्ता नोटबंदी 2.0 से होकर गुजरेगा।